शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भाई साहब तो धर्म संकट में पड़ गए होंगे। एक तरफ त्रिगुण सोलंकी का डर तो दूसरी तरफ तुलसी का अनशन। मुझे लगता है तुलसी गलत कर रही है, उसे त्रिगुण सोलंकी के झंझट से दूर ही रहना चाहिए। जब भक्त अपना कर्म करते हैं और शेष मुझ पर छोड़ देते हैं, पूरी निष्ठा भक्ति और विश्वास के साथ अपने कर्म के फल को मुझे समर्पित कर देते हैं, तो फिर मुझे अपना धर्म निभाना ही पड़ता है। सही कह रहे मोहन काका, तुलसी गलत कर रही है, उसे इस झंझट से दूर ही रहना चाहिए। देखो ये बच्चे भी समझते हैं ये बात। हाँ काका, और कल को जब त्रिकुण आपके घर और दुकान पर कब्जा कर ले, तब भी आप इस झंझट से दूर ही रहिएगा। जी जी जी, क्या बात कर रहे हो तुम, भला त्रिकुण सोलंकी मारे घर पे कब्जा क्यों करोगे? काका, इस संसार में त्रिगुणों की कमी थोड़ी ना है। ये त्रिगुण नहीं तो कोई और त्रिगुण आपका सब कुछ छीन लेगा। पर फिर भी आप उस झंझट से दूर ही रहिएगा, और एक दिन वो आएगा जब आप सब लोग अपना सब कुछ गवा देंगे, पर फिर भी आप सब उस झंझट से दूर ही रहिएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हम सब लड्डू गोपाल के भक्त हैं, ऐसे ही कोई कैसे छीन लेगा हमसे हमारा सब कुछ? भय के साथ कोई भक्ति नहीं होती बुआ। तुम किस भय की बात कर रहे हो? सबके अपने अपने डर होते हैं, इसलिए आपको स्वयं से पूछना होगा कि 21 साल से आप सब किस डर के साथ जी रहे हैं। मैं तो ठहरा बाल बुद्धि, ज्यादा कुछ जानता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि डरने का मतलब अपनी भक्ति पर संदेह करना, अपने भगवान पर संदेह करना। चलता हूँ बुआ। बात तो सही कह रहा है बालक, 21 साल से हम सब त्रिगुण सोलंकी के भय में ही जी रहे हैं। कौन था वो बच्चा और यूं ऐसे अचानक गायब कहाँ हो गया? गायत्री बहन, वो बच्चा क्या बोल के निकल गये हो? सही कह रहा था वो बच्चा, अगर हम अपने भगवान के घर की रक्षा नहीं कर सकते तो अपनी रक्षा क्या करेंगे? और इसीलिए अब हमें हमारे डर को जीतना ही होगा। सुनिए जी, मैं कह देती हूँ, जितनी मेहनत आप इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं ना, आपका साथ देने के लिए मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ, पर अगर किसी ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की ना, तो उसकी जान ले भी सकती हूँ। भाभी जी, आपके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है, जान देने का। मुक्ता, मैं आपके इमोशंस को समझता हूं, लेकिन माँ ये बिजनेस है और बिजनेस जो है वो इमोशंस से नहीं चलता। माँ, मेरी आपसे एक ही दरखास्त है कि आप इस सब में ना ही पड़े तो अच्छा है। बिजनेस कैसे करना है वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। न मातु पर दैवत सर्वतीत मई माता, अर्थात माता से बढ़कर ना कोई देवता है और ना ही कोई तीर्थ। माँ ही हमारी पहली शिक्षक होती है, इसीलिए जो संसार में माता रूपी शिक्षक का अनादर करता है, उसे जीवन में सदा निराशा ही हाथ लगती है। तुलसी, सुनिए, आप ही समझाइए ना तुलसी को, अन्न का एक दाना तो दूर पानी की एक बूंद तक नहीं पिए कल से तुलसी ने। अब क्या समझाऊं, जो पुत्री अपने पिता की मजबूरियों को ना समझ सके, उसे कहने सुनने का क्या अर्थ रह गया।
अगर कथावाचक जी को ये लगता है कि उनकी भावनात्मक बातों से तुलसी का अनशन टूट जाएगा तो ये केवल उनके मन का भ्रम है। अच्छा तो तुम ही बता दो कैसे टूटेगा तुम्हारा ये अनशन? एक पल में टूट जाएगा मातेश्री, बस कथावाचक जी तुलसी धाम में लड्डू गोपाल की कथा करने के लिए मान जाए, बस टूट जाएगा। तुम और तुम्हारे बाबा दोनों के बीच में मैं फंस गई हूँ। तुम्हारे बाबा कल से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हम जानते हैं माँ, पर सच के साथ और गलत के खिलाफ खड़े रहना हमें हमारे बाबा ने ही सिखाया, और हम हमारे बाबा के सिद्धांतों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे, फिर चाहे लड्डू गोपाल खुद ही क्यों ना आ जाए हमें समझाने के लिए। सत्य कहा तुलसी ने कि ईश्वर से भी बड़ा होता है सिद्धांत, क्योंकि ये पूरी सृष्टि धर्म के सिद्धांत से बंधी है, ये संसार न्याय के सिद्धांत से चलता है, इसलिए हमें सदैव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए, और अगर हम ऐसा ना कर सके तो हमें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वालों का साथ देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अन्याय के विरुद्ध नहीं हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम अन्याय के साथ हैं। तुलसी बिटिया, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे मन के भाव समझ नहीं पा रहा, किंतु तुम्हारी जिद के लिए मैं तुम्हें भेड़िए के मुंह में हाथ डालने नहीं दूंगा। बाबा हम जानते हैं कि आपको हमारी चिंता है, पर आप भूल रहे कि हमारे हाथों में भी भक्ति की शक्ति है जिससे हम किसी भी भेड़िए के दांत उखाड़ सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो तुलसी बिटिया? भक्ति के लिए हम अपने प्राण दे सकते हैं, किंतु अपनी बिटिया के प्राण नहीं। ऐसी स्थिति में हम अपनी बिटिया के प्राण संकट में नहीं डाल सकते। तो फिर ठीक है बाबा, जिस तरह कुम्मन दास के बेटे रघुनंदन ने प्रण लिया था और लड्डू गोपाल को उनके आगे प्रकट होना पड़ा था, उसी तरह हमने भी कसम ली है कि जब तक आप तुलसी धाम में कथा नहीं कहेंगे हमारा भी अनशन जारी रहेगा। तुलसी की इस लड़ाई में पूरा गोरबा गांव उसके साथ है भाई साहब। गायत्री, अब तुलसी की तरह तुम भी बचपन पे उतर आई। ये बचपना नहीं है भाई साहब, बल्कि तुलसी ने हमारी आंखें खोल दी है, हम सबकी आंखें खोल दी है, और इसीलिए हम सब ने ये फैसला किया है कि अब चाहे जो भी हो हम त्रिगुण सोलंकी से हरगिज नहीं डरेंगे। गायत्री बहन, ये तुम कह रही हो? तुम तो त्रिगुण सोलंकी को अच्छी तरह जानती हो। जानती हूँ भाई साहब, त्रिगुण सोलंकी को मुझसे अधिक अच्छे से और कौन जान सकता है। पर बाबा, त्रिगुण सोलंकी अभी भक्ति की शक्ति को नहीं जानता। हमने आपसे कथा सुनी, भक्त प्रहलाद की, बालक ध्रुव की, विभीषण जी की, अगर ये सब भी हिरण्यकश्यप और रावण जैसे राक्षसों से डर जाते तो क्या कभी भक्ति कर पाते? पर वो समय और था तुलसी। नहीं बाबा, वो समय हम बार बार सिर्फ इसीलिए याद करते क्योंकि उस समय में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई थी गलत के सामने खड़े रहने की। बस हमें भी वही हिम्मत दिखानी है बाबा। अंधेरा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना, एक दिए के जलने भर से मिट जाता है। बस हमें भी तुलसी धाम में वो भक्ति की एक लौ जलानी है। अब तो मान जाइए बाबा, देखिए ना पूरा गांव हमारे साथ है। अब तो जी भाई साहब, सब आपके साथ है। अगर लड्डू गोपाल की यही इच्छा है तो 21 साल बाद पुनः मैं एकादशी की कथा तुलसी धाम में ही करूंगा। हाथी घोड़ा पालकी, लड्डू गोपाल की।
सखी तुलसी, आज तुमने अपना पहला कर्मयुद्ध जीत लिया है, पर आज श्याम सुंदर दास जी ने केवल भक्ति का गांधीव धनुष उठाया है। अभी तो पूरे महाभारत शेष है सखी, और इस महाभारत में अर्जुन तुम हो तुलसी। जो घाव अर्जुन को सहने पड़े थे उसका सामना तुम्हें भी करना पड़ेगा तुलसी। आइए आइए, तुलसी धाम तैयार हो चुका है, जल्दी आइए। लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी रहते हैं साथ में, रो लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी प्रभु, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा तुलसी धाम में आपकी भक्ति कर पाऊंगा, दोबारा आपकी कथा सुना पाऊंगा। 21 साल पश्चात तुलसी धाम में आज आपकी कथा सुनाने जा रहा हूं। मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था श्याम सुंदर जी, क्योंकि ये बात केवल तुलसी धाम की नहीं है, ये बात है मेरे सच्चे भक्तों की, उनके आस्था की, उनके विश्वास की। और सखी तुलसी ने अपने कर्मों से आज पुनर्स्थापना किया धर्म की। अरे नेमचंद जी, थोड़ा शीघ्र कीजिए, अभी हमें तुलसी धाम पहुँच कर राहु दोष की पूजा भी करवानी है। नेमो, अंदर जाकर देखोगे तभी पता चलेगा ना कि देरी क्यों हो रही है। हाँ भैया, यू गया और यू आया। मम्मी जी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, हमें तुलसी धाम जाने में देरी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने आपके लिए साड़ी मंगाई है दुबई से। भक्ति का काम होता ना तो सबसे आगे चलती, लेकिन जहां भक्ति का बिजनेस हो रहा हो वहां मैं नहीं जा सकती। भाभी जी, अब मम्मी जी तुलसी धाम के मुहूर्त में नहीं जा रही हैं, तो क्या ये साड़ी मैं ले लूं? हाँ, आप तो 100 करोड़ की मालकिन बनने वाली हो, एक साड़ी तो दे ही सकती हो ना मुझे, दीजिए ना। ऐसे ही एक दिन घर की चाबी भी छीन लूंगी। तुम्हारी नजर कहाँ कहाँ है सब जानती हूँ, चाबी तो बहुत दूर, सुई तक नहीं दूंगी मैं तुम्हें। जेका, आप अभी भी रील वाली ड्रेस में ही हैं? अरे जल्दी कीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं भाई। अब आपके बिना हम कैसे तैयार हो सकते हैं? अच्छा बताइए, ये साड़ी कैसी लग रही है? हम पहनेंगे, हमारे ऊपर अच्छी लगेगी ना? तो चलिए, साड़ी पहनाने में हमारी मदद कीजिए। आप भी ना। आज मैं आप लोगों को भगवान लड्डू गोपाल की वो कथा सुनाऊंगा कि उन्होंने अपने मस्तिष्क पर मोर पंख क्यों धारण किए थे। ये वनवास के समय जब भगवान श्री राम और माता सीता जल की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे थे, तब उन्हें एक मोर मिला। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं आपको जल के स्रोत तक पहुंचाऊंगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई, आप तो उड़ जाओगे, हम कैसे उड़कर जल के स्रोत तक पहुंचेंगे। तब मोर ने कहा कि प्रभु, मैं उड़ते हुए अपने एक एक पंख धरती पर गिराता जाऊंगा, आप उसी मोर पंख को देखते देखते जल के स्रोत तक पहुंच जाओगे। किंतु पंख का गिरना उसके जीवन के लिए संकट में डालना था। जब भी मोर के सारे पंख गिर जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी वो मोर प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जल की स्रोत की ओर उड़ता चला गया। भगवान श्री राम और माता सीता धरती पर गिरे मोर पंख के सहारे जल स्रोत तक पहुंचे और उन्होंने जल पीकर अपनी प्यास की तृप्ति की। लेकिन सारे पंख गिर जाने के कारण उस मोर ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। मोर की भक्ति और त्याग से भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम ने कहा, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लूंगा तो अपने मस्तिष्क पर मोर पंख धारण करूंगा। तो भक्तों, ये थी
भगवान श्री लड्डू गोपाल के मस्तिष्क पर मोर पंख धारण करने की कथा। त्याग और समर्पण भक्ति के दो सिर हैं। त्याग अपने अहंकार का और समर्पण स्वयं का, और इस त्याग और समर्पण का प्रतीक होता है मोर। इसलिए मोर पंख न केवल मुझे बल्कि माता सरस्वती, कार्तिकेय और अन्य सभी देवों को भी प्रिय है, और इसी कारण संसार में मोर की तरह जो भी त्याग और समर्पण के साथ अपने कर्म करता है उसे मेरे साथ साथ सभी देवों के भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अरे जय राम जी की। अरे वाह अंकद जी, अभी भूमि पूजन शुरू नहीं हुआ और आपने भजन कीर्तन शुरू करवा दिया। आई एम इंप्रेस्ड। अरे नहीं नहीं, ये अंगद भैया ने नहीं, ये तो हमारे हस्बैंड जी ने कराई है। क्यों भाभी, अच्छी लगी ना तैयारी? मैंने कुछ नहीं किया भैया ये सब। अंगद जी, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो किसने किया है? हम सही जगह पर आए हैं ना, ये तुलसी धाम ही है ना? हाँ हाँ दरीवाल जी, ये तुलसी धाम ही है, चिंता मत कीजिए, ये अपनी ही जगह है। रुके मैं जरा देखता हूँ। अब तुम अंदर जाकर देखने का कष्ट करोगे कि क्या चल रहा है? एक मिनट में सिस्टम सही कर। ये हारमोनिया झाल ढोकल समटो, चल 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 निकलो निकलो निकलो। तुम लोग हो कौन बे? कौन है आप लोग? पर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई लड्डू गोपाल की पूजा में रुकावट डालने की? दूसरों की जमीन पर नारियल नहीं चढ़ाते, और उस हिसाब से तो हमें आपको पूछना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। बाबा लगता है ये लोग प्रसाद लेने के लिए आए हैं। थोड़ी देर रुक जाइए आप लोग, पूजा पूरी हो जाने दीजिए, फिर सबको मिलेगा। देखिए आप लोगों को कथा कहानी कहनी हो, पूजा प्रसाद करना हो, आप अपनी जमीन पर जाकर कीजिए, क्योंकि ये जमीन हमारी है। हमारी जमीन? ये तो वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोगों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आज से ही नहीं बल्कि पुश्तों से ही ये हमारी जमीन है, कथावाचक श्याम सुंदर दास जी की। आप चाहे तो कोरबा गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। ऐसा है, त्रिगुण सोलंकी नाम सुना हो? उसके परिवार के सामने कानून का कविता पाठ वर्जित है। अरे ये त्रिगुण सोलंकी का परिवार है। क्योंकि हम गोली पहले चलाते हैं और गोली बाद में। गोपाला गोपाला, जिस बात का डर था वही हुआ, त्रिगुण सोलंकी के लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा तो ये है सोलंकी जिन्होंने 21 सालों से हमारे बाबा को परेशान करके रखा है। श्याम सुंदर जी, हमने बहुत नाम सुना है आपका, लेकिन ये क्या बात हो गई? 21 साल पहले आपने ये जमीन मेरे पापा के नाम कर दी थी, और आज हमारी परमिशन के बिना आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझे हम? भैया ये नहीं समझेंगे, इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे पावर का भौकाल दिखाना पड़ता है। है ना पंडित जी, टैक्सी मंगा दे, चलिए 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 जल्दी समटिए और निकल लिया यहाँ से, क्योंकि अगर हम भजन शुरू कर दें तो ढोलक बहुत अच्छा बजाते हैं। बस बहुत हो गया, और जाकर कह दीजिए अपने पापा त्रिगुण सोलंकी से कि अपनी नियत साफ कर ले, क्योंकि अब तुलसीधाम हर तरह के कब्जे से मुक्त हो चुका है। कब्जा तो तुम कर रही हो, ये जानते हुए भी कि ये जमीन तुम्हारे पिताजी ने मेरे ससुर जी को बेच दी थी। मतलब आपके परम पूज्य ससुर जी ने आप लोगों से भी आज तक झूठ ही बोला है। बाबा आज इन्हें तुलसीधाम का सच बता ही दीजिए। हमारी बिटिया सही कह रही है,
कोई लड्डू गोपाल के धाम को बेच सकता है क्या? जाकर त्रिगुण जी से पूछिएगा, लड्डू गोपाल के धाम को वो खरीद सकते हैं क्या? सुन लिया आप लोगों ने, अब फैसला आपको करना है कि आप यहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे या खाली हाथ। जिससे पूरा मथुरा खौफ खाता हो उसी को धमकी। बाबू प्रसाद तो हम खिलाएंगे। कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, क्योंकि ये हाथ ढोल मंजीरे बजाना ही नहीं, उसके साथ साथ पापियों की गर्दन मरोड़ना भी अच्छी तरह से जानते हैं। चाहो तो अभी ट्रायल दिखा दें, 2 मिनट में फटाफट। तू देगा रे ट्रायल। बाप बेचे लोहा टीना, अब बेटा बने जॉन सीना। फाइनल लोल पे और चढ़ जाओगे पोल पे सच्स। दूसरों की लड़ाई में आप क्यों सूरमा बन रहे हो? अरे लड़ने दीजिए ना 100 करोड़ वालों को अपनी लड़ाई, आप तो चुपचाप मेरी तरह तमाशा देखिए। शेर के मुंह में हाथ डाला है आप लोगों ने, इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा आपके और आपके परिवार के लिए। अभी चलो। बुरा तो हमें भी लग रहा है कि आप बिना प्रसाद लिए जा रहे हैं, पर अगली बार जब आइएगा तो प्रसाद के साथ साथ चरणामृत भी लेकर जाइएगा, उससे मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होते हैं। नहीं, चलो चलो, इन्हें हम ताकत से नहीं कानून के तरीके से समझाएंगे। हाथी घोड़ा पालकी, जय लड्डू गोपाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय लड्डू गोपाल की। यथा किरण चक्रे न रथस्य गति भर्वे, तथा पुरुष कारण विना दैवम न सिद्धति। अर्थात जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ किए ना तो भाग्य फलता है और ना ही भक्ति। आज तुलसी ने लोगों के मन के भय को दूर कर उन्हें साहस के साथ पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए जो सदा धर्म के मार्ग पर चलता है, ना कभी पाप करता है और ना ही पापियों का साथ देता है, सच्चे अर्थों में वही मेरा भक्त है। त्रिगुण सोलंकी ने आपको याद किया है। तुम्हारे बाबा को त्रिगुण सोलंकी का बेटा लेके गए। अगर मथुरा में नहीं मिले तो उस त्रिगुण सोलंकी के घर जाऊंगी और अपने बाबा को वापस लेकर आऊंगी। काकी, तुलसी। हर्षित तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं तो जिस यात्रा पर निकली हो वो अधूरी रह जाएगी।